बिग बॉस का एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी, या कह लीजिए लोग कह रहे थे कि वो टॉप 5 में आना डिजर्व करती है, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया और कह लीजिए जो कुछ अनडिजर्विंग थे वो ऊपर चले गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हम बात करें एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसकी उम्र है 19 साल और जो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रही है। पहले वो शो में आई, उनका एक्स बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं था कि उनका कोई बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है। और जब वो बॉयफ्रेंड आता है घर में तो वो मना कर देती हैं, वो मानती नहीं है कि वो उनके बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें बात को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ ये उनके बॉयफ्रेंड है। फिर जो उनके एक्स होते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर अपने एक्स को पोक करना शुरू कर देते हैं, फिर उस कंटेस्टेंट के जो बॉयफ्रेंड होते हैं जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आते हैं उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है और अब उनका सफ़र भी ख़त्म हो गया। यानी कि हम बात कर रहे हैं उस कंटेस्टेंट की जिसने खेला तो बहुत अच्छा, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा खेला, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बाद में वो भटक गई और उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हम बात करें ईशा मालविया की। जी हाँ, ईशा मालविया एक ऐसा कंटेस्टेंट उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो टॉप 5 में आएंगी, लेकिन उनका सफ़र जो है वो बिग बॉस के घर से अब ख़त्म हो चुका है, या ये कह लीजिए कि वो घर से बेघर हो गई हैं। आपको जल्द ही ये एपिसोड देखने को मिलेगा। फिलहाल रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ईशा मालविया जो है वो घर से बेघर हो गई हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको बता दें कि नॉमिनेशन टास्क हुआ था और उसमें 2 टीम्स थी, और टीम जो कि अंकिता, ईशा और आयशा थी वो हार गई थी और वो चारों नॉमिनेट हो गए। इसमें से जो आयशा है वो आज रात को ही घर से बेघर हो जाएंगी, और ईशा की बारी तब आएगी जब सलमान खान बोलेंगे कि अब कौन कौन बचा है नॉमिनेट होने के लिए, तो उसमें जो वोट्स है वो सबसे कम ईशा को मिली होती है। अब हुआ कुछ ये है कि ईशा मालविया एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में उभरी थी, और वो अपने दिमाग से खेलती थी, किसी से ज़्यादा आप कह लीजिए वो मैन्युपुलेट नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड की थोड़ी थोड़ी बातों को मान लेती थी। और उनके पास जब कैप्टेंसी आई तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को शो भी किया, अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रूव भी किया, लेकिन फिर बाद में चीज़ें इस हद तक बिगड़ गई कि सलमान खान भी उन पर गुस्सा आ गए। अब आपको बताते हैं कि हुआ ये कि वोटिंग लाइंस थी और क्लोजिंग ट्रेंड जो था वो एकदम से बदल गया। अब क्लोजिंग ट्रेंड कैसे बदला वो भी आपको बताते हैं। अब विकी जैन को बचाने के लिए अंकिता के जो फॉलोअर्स थे या अंकिता का जो फैन बेस था उन्होंने लगातार किससे वोट देना शुरू कर दिया, विकी जैन को वोट देना शुरू कर दिया। और अभिषेक के जो फैंस थे, अभिषेक की जो जनता थी, उन्होंने यहाँ पर विकी को वोट देना शुरू कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो ईशा है अब वो अभिषेक के सामने टिके, क्योंकि कल आपने अगर कल का एपिसोड देखा होगा तो अभिषेक ने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर किसको रोस्ट कर डाला, ईशा को रोस्ट कर डाला और उन्हें बता दिया कि तू तू है और मैं हूँ। तो हुआ कुछ ये कि अंकिता के जो फैंस थे और जो अभिषेक के फैंस थे उन्होंने अपना जी जान लगा दी और यहाँ पर विकी को इतनी ज़्यादा वोट्स मिल गई एकदम से कि ईशा मालविया नीचे हो गई, और उन्हें कम वोट्स मिलने के चक्कर में वो यहाँ पर घर से बेघर हो गई। क्योंकि पहले जो चांसेस थे, पहले कुछ वोटिंग लाइंस ऐसी थी कि पहले अंकिता थी, फिर ईशा थी, फिर विकी थी और फिर आयशा थी, लेकिन ये वोटिंग ट्रेंड एकदम से बदल गई और लास्ट में तो आयशा थी जो निकल गई, और फिर यहाँ पर ईशा को कम वोट्स मिलने के चक्कर में घर से बेघर कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ईशा का घर से जाना सही है? क्योंकि ईशा एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने काफ़ी यहाँ पर TRP भी दी है कहीं ना कहीं, और काफ़ी स्क्रीन टाइम दिया है और काफ़ी अच्छे से खेला भी है, लेकिन एक दो ऐसे कंटेस्टेंट है जिनसे ज़्यादा डिजर्विंग ईशा भी लगती हैं। क्या आपको भी यही लगता है जैसा कि बाकी लोगों को लगता है कि ईशा ज़्यादा डिजर्विंग है और उन्हें टॉप 5 में होना ही चाहिए था, और 2-3 जो कंटेस्टेंट है उन्हें नहीं होना चाहिए था? इस पर आप लोगों का क्या कहना है कि ईशा का जाना सही है या गलत, आप लोगों का क्या मानना है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।